मजे आ गए दोस्तों, बहुत दिनों बाद कल तुम्हें देखने को नजर आए। मुझे क्या मालूम था कि बगल में बच्चा और शहर में ढूंढेरा, हम जगत में ढूंढ रहे हैं कि कल तुम्हें हमें नजर नहीं आ रहे ढंग के। तो माशाल्लाह ऐसे खिलाड़ी के आज हमें ऊपर वाले ने पहुंचा दिया कि जिसके यहाँ कलदूमे भी हैं और ऊपर से ढंके भी हैं, जो उड़ाता भी है। जी उस्ताद, कबूतर वास तो बहुत सारे होते हैं जी, मगर कबूतर खिलाड़ी का नाम ये कबूतर ही करते हैं जी। अगर अपन इनको जोड़े में डालेंगे, उड़ाएंगे नहीं, तो अपनी पहचान कैसे होगी? ये कबूतर ही अपनी पहचान बनाते हैं। क्या बात, ये बात है। नागिन क्या बात, ये काली नागिन होती है, सफेद नागिन है ये। क्या जी, ये सफेद नागिन है। क्या बात है, वैसे नागिन काली होती है, सफेद नागिन है। 20-20 का काम है जी, अपर हर पार का काम है, हर पार का काम है, कोई नहीं बचेगा, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ जी, खूबसूरत कबूतर हैं, इतने परवाजी कबूतर हैं और पुरानी नस्लों के कबूतर हैं दोस्तों। इनको बिगाड़ कर लोग कबूतर जो है क्रॉस मार रहे हैं और पुरानी नस्लों को खत्म कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या हमें ऐसी नस्लें मिल पाएंगी बाद में? हम देखने को तरस जाएंगे, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, वो क्या देखेंगी? खिचड़ी पकी हुई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूँ रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक सीजन। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं उस्ताद फूलचंद जी चावला के यहाँ, और इससे पहले आपने शो किया इन उस्ताद फूलचंद जी चावला के यहाँ, आज से 3-4 साल पहले मैंने शो कराया था आपको, बहुत अच्छे अच्छे लल्लूमे वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल उसके बाद मैंने आपको शो करवाया यहाँ पर ऊदे कबूतरों का, यानी के कासनी कबूतरों का। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे उस्ताद फूलचंद जी चावला के यहाँ, जो कि इनके यहाँ परवाजी कलदूमे कबूतर हैं। और दोस्तों कलदूमे कबूतरों का काफी मेरे पास कॉल्स भी आ रहे थे कि रिजवान भाई कलदूमे कबूतर क्या खत्म हो गए, कलदूमे कबूतर नजर नहीं आते। तो दोस्तों आज आपको कलदूमे भी दिखाएंगे और वो भी परवाज वाले, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी क्या दिखाने वाले हैं जो कि जयपुर की एक नामी हस्ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस्ताद फूलचंद जी चावला से। तो नमस्कार उस्ताद। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है जी। बढ़िया बढ़िया। तो उस्ताद कलदूमे मैंने उस्ताद शमा हाजी साहब थे उनके यहाँ मैंने शो करवाए काफी, लेकिन उनका देहांत हो गया, डेथ हो गई। तो जयपुर के अंदर देखा जाए तो, और फिर एक शब्बू भाई हैं हमारे, शब्बू भाई उनके पास पठान साहब, बिल्कुल। तो उनके पास मैंने शो करवाया, उनके पास ही बहुत अच्छे अच्छे कलदूमे थे। तो उसके बाद मुझे कहीं ऐसे कलदूमे मतलब इतनी क्वांटिटी में इक्का दुक्का मिल जाते हैं, तो आपके यहाँ उनकी थोड़ी सी आदत खसलत हमें बताएं कि किस तरीके से उड़ते हैं और कैसे परवाजी कबूतर हैं हमारे कलदूमे हैं। दिखने के भी बढ़िया और उड़ान भी बढ़िया। क्या जी, दिखने के लाजवाब, बैठे हुए दिखेंगे क्या खड़ा कबूतर दिख रहा है, और रात नहीं रहते, शाम को डाई मार के आते हैं। अच्छा, ये बताएं इसके अंदर कल परे हैं या छींटे वाले हैं या किस तरीके के? नहीं, प्योर कलदूमे। प्योर कल, प्योर कलदूमे मतलब काले पर वाले हैं या किस तरीके के हैं? मतलब कुछ तो काले पर के हैं और कुछ पूरे साफ पर के, पूरे कलदूमे कहीं छीटा नहीं, बेदाग, बेदाग, बेदाग कलदूमे। क्या बात है, बेदाग, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या उड़ रहे हैं माशाल्लाह? बिल्कुल बहुत उड़ रहे हैं साहब, क्योंकि लोगों ने उनमें भी क्रॉस किए ताकि जो है अच्छी उड़ाने हो, परवाज हो, लेकिन जो है बेदाग कलदूमे जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे उड़ते हैं, लाजवाब उड़ते हैं मेरे पास बेदाग कलदूमे। और अगर किसी को कोई क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, पूरी दुनिया से माशाल्लाह इस चैनल से लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही, दुबई से लेके, पाकिस्तान से लेके, बांग्लादेश से लेके, बहुत मतलब ऐसी ऐसी जबानों के फोन आते हैं कि मैं खुद भी नहीं समझ पाता ना, वो बेचारे उर्दू, अरबी, फारसी, इंग्लिश, इसके अलावा ही कोई जबाने बोलते हैं। तो कलदूमे जो है, अगर दोस्तों आपको कोई भी शक और शुभा हो कि यहाँ पर आपको शो कराया जा रहा है उस्ताद फूलचंद जी चावला के यहाँ, अगर आपको लगे कि ये उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इनके टूर्नामेंट और बाजी वगैरह हैं, उसके अंदर आके बैठे हैं। इनके नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डालेंगे, नंबर डालूंगा, तो आप कॉन्टेक्ट करके आए और इनकी परवाजें देखें और उड़ते हुए देखें इन कबूतरों को। इससे ज्यादा मैं और कुछ दलील दे नहीं सकता कि कितने उड़ते हैं, और क्योंकि हर तरीके के लोग हैं। तो उस्ताद जो कलदूमे हैं आपके माशाल्लाह, उनका आप हमें शो करवाएं आज। बिल्कुल कराएंगे, आज शो कराएंगे आप, बहुत ही ऐसे कलदूमे दिखाएंगे, मजा आ जाएगा देखते ही। आपसे यही उम्मीद, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो दोस्तों, ये हमारे उस्ताद फूलचंद जी चावला,
जो कि बड़े ही खुश मिजाज इंसान है और हंसी इनके चेहरे पर हमेशा खिलखिलाती रहती है। और यहाँ पर जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर माशाल्लाह उसके व्हाट्सएप ग्रुप के जो है ये किंग है, इनकी आवाज कहीं ना कहीं जिसको कहा जाता है कि चहचहाते रहते हैं, जैसे एक परिंदा चहचहाता है ऐसे इनका ग्रुप के अंदर माशाल्लाह योगदान रहता है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप जो है कबूतरबाजी के उसके अंदर फूलचंदी चावला जो है चहचहाते रहते हैं, अपनी मीठी मीठी आवाज से लोगों का दिल खुश करते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको शो करवाएंगे उस्ताद फूलचंदी चावला के यहाँ कल्लू में कबूतरों का। चलिए तो दोस्तों हमें शो करवा रहे हैं उस्ताद फूलचंद जी चावला साहब कल्लू में कबूतर, जैसा कि उन्होंने हमसे वादा किया था। तो उस्ताद बताएं किस तरीके के कबूतर हैं ये? साहब सीधे ही 6 बजे बाद कंटिन्यू आते हैं ये। अच्छा और उस्ताद आपका डायलॉग ये है हमसे मिले आके, किसी के पास अगर इनसे अच्छे कबूतर है तो हमसे मिले आके राजस्थान में कोई भी। क्या जी, 15 से लेके 101 तक, ये वाली बात है जी। क्या बात है उस्ताद, ये कल्लू में तो वाकई में आपके माशाल्लाह जैसा कि आपने बताया क्या है ये, एक बार और बता दीजिए। ये नागिन क्या बात ये है? काली नागिन होती है, सफेद नागिन है ये। क्या जी? जी ये सफेद नागिन है। क्या बात है, वैसे नागिन काली होती है, सफेद नागिन है जी। क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं उस्ताद फूलचंद जी चावला साहब के आप शो कर रहे हैं और इनका मैं शो करवाऊंगा आपको। उस्ताद हमें शो करवा देते हैं एकाध कबूतर का। बहुत सारे कल्लू में हैं जो कि खास खास यहाँ पर निकाले हैं, जो कि यहाँ पर परवाजी कबूतर हैं, उड़ान वाले जो अच्छा परफॉर्म करके आए हुए कबूतर हैं उन्हीं का मैं आपको शो करवा रहा हूँ। और ये कल्लू में आप देख सकते हैं किस तरीके के हैं, माशाल्लाह बिल्कुल कल परे कल्लू में कल चोंचे और बेदाग आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, कहीं आलतू फालतू छींटे छांटे हैं नहीं, बहुत अच्छे कबूतर है। और स्टैंडिंग देखें आप, वाह 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 वाह, क्या कहने उस्ताद। दोस्तों अगर इसके ऊपर भी आप वाह 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 नहीं कह के जाएं तो सब कुछ बेकार है और हमारा शौक कराना भी बेकार है। देखें आप किस बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको ऐसी नस्लें देखने में। आप देख रहे हैं जयपुर के अंदर उस्ताद फूलचंद जी चावला के परवाजी कबूतर, जो कि कल्लू में नायाब नस्ल है, जो कि लोग अब इनको खत्म करते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं। और यहाँ पर उस्ताद फूलचंद जी चावला माशाल्लाह इस बार क्या कल्लू में कम कर लिए मैंने, उदे ज्यादा बना लिए, उदे ज्यादा कर जी, एक जोड़ से खूब उदे बना लिए मैंने जी। अब आप इस कल्लू में ही मनाने। क्या बात, हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त यहाँ पर कल्लू में उस्ताद, ये पुरानी नस्लों को लोग भूलते जा रहे हैं और ऐसी ऐसी नायाब, देखे आप क्या इनसे अच्छे कबूतर क्या हो सकते हैं, मेरे समझ से बाहर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या बॉडी स्ट्रक्चर, क्या स्टैंडिंग और क्या इनकी परवाज। तो सबसे बड़ी बात के लोग 151-500 कबूतर यहां पर उड़ा रहे हैं, 201-101 इतनी तादाद में कबूतर उड़ा रहे हैं। और सिलेक्शन करना, इतने सारे कबूतरों का चयन करना, इतने सारे कबूतरों का इंतखाब करना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उस्ताद आपका क्या कहना है? बात ऐसी है जी कि अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से शो करते हैं सब जी जी, कोई 11-15-21 उड़ाते हैं, किसी के पास ज्यादा कबूतर रखने का तो ज्यादा लंबी बाजी तय करते हैं, ये वाली बात है। नहीं उस्ताद, अपन मीडियम बाजी तय करते हैं। अच्छा जी, 15 से लेके 101 तक है, 13 राउंड इसके पक्के खिलाड़ी हुआ इसमें तो 20-20 का काम है जी, अपन हर बार का काम है कोई नहीं बचेगा, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ जी, हाँ जी जी, ये कबूतर है जी जी, अगर राजस्थान में कोई भी खिलाड़ी होए, किसी के पास है हमारे से अच्छे कल्लू में जी, तो हमसे कोई भी उड़ान उड़ा सकता है कल्लू में से कल्लू में ही, ये वाली बात है जी। अच्छा कल्लू में से कल्लू में बिल्कुल, और मिठाई खिलाएंगे, माला पहनाएंगे, 5000 रुपए की लोटो की गजरा पहनाएंगे उनको। क्या बात है उस्ताद फूलचंद जी कह रहे हैं कि मिठाई इनकी तरफ से कोई बाजी तय करे। चलिए तो दोस्तों माशाल्लाह ये एक कबूतर का हमें शो करवा रहे हैं उस्ताद जी। उस्ताद क्या बात है यार, मजे आ गए दोस्तों, बहुत दिनों बाद कल्लू में देखने को नजर आए। मुझे क्या मालूम था कि बगल में बच्चा और शहर में ढूंढेरा, हम जगत में ढूंढ रहे हैं कि कल्लू में हमें नजर नहीं आ रहे ढंग के। तो माशाल्लाह ऐसे खिलाड़ी के आज हमें ऊपर वाले ने पहुंचा दिया कि जिसके यहाँ कल्लू में भी हैं और ऊपर से ढंग के भी हैं, जो उड़ाता भी है जी। उस्ताद बिल्कुल जी, कबूतरबाज, खैर कबूतरबाज तो बहुत सारे होते हैं जी, मगर कबूतर खिलाड़ी का नाम ये कबूतर ही करते हैं जी, बेशक। अगर अपन इनको जोड़ों में डालेंगे जी, उड़ाएंगे नहीं तो अपनी पहचान कैसे होगी कैसे होगी, ये कबूतर ही अपनी पहचान बनाते हैं। क्या बात, ये बात है।
दोस्तों मजा आ गया होगा, कबूतर ही पहचान बनाते हमारी जी। उस्ताद इसकी आंख का शो करवा दीजिए, क्या बात है, बेदाग देखें आप दोस्तों माशाल्लाह, और आंखें तो माशाल्लाह यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी बना रखी है उस्ताद ने, देखें आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं किस तरीके की आंखें, या आप देख रहे हैं पुरानी नस्लों के ओरिजिनल कंदुमे कबूतर जो कि यहाँ पर उस्ताद फूलचंद जी चावला माशाल्लाह उड़ा करके इनका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, पूरा पूरा मजा ले रहे हैं इन कंदुमे कबूतरों का और आपके ऊदे कबूतरों का, यानी कि कासनी कबूतरों का, सलेटी कबूतरों का। तो उस्ताद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो करवाया इतने अच्छे कबूतरों का। उस्ताद एक आपसे जो है रिक्वेस्ट ये है कि ये जो अंदर दिख रही है मादा है ना रही है? मादा है, ये मादा है, इस मादा का और शो करवा दीजिए प्लीज। ठीक है जी। तो दोस्तों ये मादा का और आपको शो कराएंगे उस्ताद फूलचंद जी चावला साहब, क्या जबरदस्त कबूतर है उस्ताद, मजे आ गए दोस्तों। अभी सारे एक जैसे हैं, दो का शो करवा दिया, बाकी आपको दिखाई दिए, और आप जरूर बताइएगा आपको ये नस्लें जो जिसको कहते हैं शहनशाही नस्लें हैं, इनको बर्बाद ना करें, बस इनको बचा के रखें। क्या जबरदस्त, वाह 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 दोस्तों, मजे आ गए, क्या बात है, क्या कह रहे हैं साहब, बहुत ही उम्दा शानदार लाजवाब और बेमिसाल किस्म के कबूतर आपने देखे उस्ताद फूलचंद जी चावला साहब के यहाँ। एक पर और दिखा दें उस्ताद, इसके पुरानी नस्लों के कबूतर आप देख रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, देखें आप पर। तो दोस्तों ये तीन तीन चार चार पांच पर जो हैं कल परे कल्दू में कहलाते थे, बहुत ही शानदार। छोड़ दीजिए उस्ताद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कोई नहीं बचेगा बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ जी, चलिए दोस्तों उस्ताद फूलचंद जी चावला साहब की यही बातें हैं और यही अदाएं हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, आपको मजबूर कर देती हैं उस्ताद फूलचंद जी चावला से मिलने के लिए। तो दोस्तों ऐसी नायाब नस्लें आप देखते रहें जयपुर टॉक पिजर्स चैनल के ऊपर, पुरानी से पुरानी नस्लों का मैं आपको शौक कराता आया हूं। और दोस्तों मेरा दिल नहीं चाह रहा इन कबूतरों को छोड़कर जाने को, इतने खूबसूरत कबूतर हैं, इतने परवाजी कबूतर हैं और पुरानी नस्लों के कबूतर हैं दोस्तों, इनको बिगाड़कर लोग कबूतर जो है क्रॉस मार रहे हैं और पुरानी नस्लों को ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या हमें ऐसी नस्लें मिल पाएंगी बाद में, हम देखने को तरस जाएंगे, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी हैं, वो क्या देखेंगी, खिचड़ी पकी हुई। तो दोस्तों आप देखते रहें जयपुर टॉक पिजर्स चैनल, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आप अपने भाई रिजवान अली साहब को इजाजत दें और उस्ताद फूलचंद जी चावला से हम भी इजाजत लेंगे। तो उस्ताद जी एक बार और कह दें टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। और ये हमारे कबूतरों की जो उड़ान देंगे भाई, तो इसके अंदर अपने मोबाइल नंबर डाल देना, वीडियो में आके शौक कर ले, आके शौक कर ले, देख ले, बिल्कुल साहब। और किसी को उड़ाने की दिल चाहे, उड़ाने की चमन्ना है राजस्थान के अंदर, कोई से भी कोने के अंदर हो तो आके हमसे शो कर सकते हैं, प्यार से हमसे आके मिल ले, बिल्कुल मिल ले जी। दोस्तों चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।